आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कॉल रिकॉर्डिंग को गूगल ड्राइव में सेव कैसे करें, हाउ टू अपलोड ऑडियो ऑन या फिर कॉल रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव। तो बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी स्मार्टफोन हो। जैसे कि आप सबको पता है, जितने भी न्यू स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें आपको गूगल का डायलर का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। स्मार्टफोन के अंदर केवल सैमसंग का ही एक ऐसा स्मार्टफोन है जिनमें आपको गूगल का डायलर नहीं मिलेगा, लेकिन और जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें आपको गूगल का डायलर देखने के लिए मिलेगा। अब उस गूगल के डायलर में आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है, शो होती रहती है, उसे आप कहीं दूसरी जगह रखना चाहते हैं सेव करके, जैसे गूगल ड्राइव के अंदर, तो वो आप कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग करके। जैसे कि इस कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ आता है, अगर आपके में नहीं आ रहा है तो मैं आगे आपको एक वीडियो दूंगा, ठीक है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सीधी। तो बिमलेश कुमार जैसे हमारा ये एयरटेल का एक नंबर है, तो इस पर हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं कॉल करता हूँ, कॉल करूँगा उसके बाद, ठीक है, ठीक है, जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि, ठीक है, जैसे कि कॉल किया, ठीक है, उसमें हम उठा लेते हैं, ठीक है, कॉल को, और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं कट कर दूँगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने कट भी कर दी। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये मैं कैसे निकालूँगा, जैसे कि आपको मैं भी दिखाऊँगा। इस पर हमने क्लिक किया, अब आप यहाँ देखेंगे हिस्ट्री स्ट्रिप में क्लिक किया, अब ये लिसन टू रिकॉर्डिंग पे हम क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपकी सुनाई देगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी सुनाई नहीं दे रही क्योंकि अभी मैंने थोड़ी सेकंड करी 6 की, अगर आप ज़्यादा ही करेंगे तो आपको सुनाई देगी, ठीक है। सॉरी, डिलीट मत हो यार। तो आप देख सकते हैं ये देखो आ चुकी है। अब इसे आप शेयर कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए बताऊँगा अभी मैं। तो यहाँ पे हमने दोबारा से फ़ोन लगाया, कॉल रिकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा की, जैसे कि 30 सेकंड की, 20 सेकंड की, ठीक है, ज़्यादा की आप करेंगे तभी वहाँ पे शो होगी, जैसे 30 सेकंड की चलो कर लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ और होती है, 15 MB से अधिक है और वो सेव नहीं हो रही, उसका तरीका ही बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे आप हो जाने देना है, जैसे कि मैं यहाँ कॉल कट कर देता हूँ, मैं वहीं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं हिस्ट्री पर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 6 सेकंड की है वो शो नहीं हो रही, लेकिन ये शो हो रही है, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, ये जहाँ लिखा है शेयर, तो शेयर पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये देखो यहाँ शो हो रही है, ठीक है। या तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए या तो आप गूगल ड्राइव में सेव कर दीजिए। तो गूगल ड्राइव पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने इसे, और यहाँ पर आपको एक ही काम करना है, यहाँ लिख देना है, ठीक है, जिसकी भी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ लिख दीजिए उसका नेम, ठीक है, जिससे आपको याद बना रहा है इसकी रिकॉर्डिंग है ये, ठीक है। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे रीयूज़ कर देंगे, रीनेम। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेटवर्क नहीं है इसमें, तो चलिए मैं डाटा ऑन कर, वाईफाई ऑन कर लेता हूँ अपनी। मैंने वाईफाई ऑन कर ली, ठीक है, लेकिन आप हम क्लिक कर दें नेटवर्क यहाँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अपलोड एक फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो 256.0 KB की है, ये अपलोड हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से शेयर लिंक इस तरीके आ जाए। तो इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे हम ढूंढना भी तो है कि कहाँ है, ये देखो नहीं, ठीक है, ये देखो यहाँ से सुन सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की 28 सेकंड की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका हमने आपको बता दिया है, ठीक है। फिलहाल मैं लेता हूँ इस वीडियो में विदा। जय हिंद।